सो मच जो जो लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं और मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। मैं आपके लिए और बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज लेके आ रही हूँ। जैसे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ज़बरदस्त डिज़र्ट फिरनी, जो हमें अक्सर शादियों में बहुत पसंद होती है कि हम खाएँ। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ शादियों वाली फिरनी की रेसिपी शेयर करती हूँ, जो आप घर पर ईजिली बना सकते हैं और बहुत ही आसान है। तो आप जल्दी से इन्ग्रीडियंट्स नोट डाउन कर लें कि हमें फिरनी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। फिरनी बनाने के लिए आपको चाहिए 3 किलो दूध, पेस्ट बना के रखी हुई है, 1 गिलास चावलों को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रखा था और उनको मैंने ब्लेंडर में अच्छी तरह से पहले उनको ब्लेंड किया, उसकी एक पेस्ट बन गई, बहुत फाइन पेस्ट है। 5 इलायचियाँ, साबुत इलायची, कुटा हुआ पिस्ता है मेरे पास 1/2 कप, कुटे हुए बादाम है मेरे पास 1/2 कप, और यहाँ मैंने बादामों को लेकर उनको मैंने बॉईल करके छिलका उतार लिया और ये भी मैं 1/2 कप ले रही हूँ, इसको मैंने जूलियन कट कर लिया। ये इलायची पाउडर हिसाब से मैंने यहाँ पे 3 कप चीनी लिए, जो मेरे 3 किलो दूध में बहुत अच्छी और अच्छा मीठा रहेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते तो आप चीनी को अपने मुताबिक बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। चांदी के वर्क लिए हैं यहाँ मैंने 2 पैकेट, गुलाब लिया है 2 टेबल स्पून। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स से हम जल्दी से आपके सामने ज़बरदस्त सी फिरनी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने दूध को एक बड़े बर्तन में निकाल लिया। अब यहाँ मैं आपको एक टिप देने लगी हूँ कि जब भी आप खीर बनाएं, मेरा चूल्हा बिल्कुल बंद है, आग बिल्कुल बंद है, जब भी खीर बनाएं तो हमने जो चावलों का मिक्सचर बनाया हुआ है इसको हम ठंडे दूध में मिक्स करेंगे। अभी आग मैंने नहीं जलाई हुई। इस सारे मिक्सचर को आप, सारी पेस्ट को आप दूध में शामिल करें और विक्स से आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है अपने दूध में। करने से आपके दूध में आपकी पेस्ट, जो आपने चावलों की पेस्ट बनाई है, उसकी गुठलियाँ नहीं बनेगी। अगर हम दूध, गर्म दूध में अपनी चावलों की पेस्ट डालते हैं तो फौरन उससे गुठलियाँ बन जाती हैं, जो हमारी खीर में एक आपको गुठली सी नज़र आती है वो इसलिए होती है क्योंकि हमने गर्म दूध में पेस्ट को शामिल किया है। तो हमेशा खीर बनाते हुए आप ठंडे दूध में अपनी पेस्ट को शामिल करेंगे तो बहुत अच्छे से एक तो मिक्स हो जाएगी और कोई भी गुठली नहीं बनेगी। तो चलें अब मैं अपनी स्टोव को ऑन करती हूँ और खीर को आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही बनाना होता है, बहुत तेज आंच पे नहीं हम इसको बनाएंगे क्योंकि इसको हमने बहुत पकाना होता है। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपने अपनी खीर में चम्मच चलाना है। और आप नॉर्मली इस तरह का हम खीर यूज करें या स्पून यूज करें अपनी फिरनी बनाने के लिए, ताकि आपके खीर का जो मिक्सचर है उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल एक जैसी रहे। अब आप देखिए हमारा दूध बिल्कुल गर्म हो गया और इसमें बबल्स भी बन रहे हैं। अपनी फिरनी में आपने चम्मच हिलाते रहना है, अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएगी और आपके दूध का टेस्ट चेंज हो जाएगा, तो इसलिए आप इसमें चम्मच हिलाते रहें। अब जब हमें लग रहा है कि हमारी खीर थोड़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई है तो इसमें आप इलायची पाउडर डालेंगी। साबुत जो मैंने रखी थी अपने पास वो डालेंगे, जो मैंने छिलका उतार के रखे हुए और जूलियन कट किया हुआ था। सारे बादाम आप इसमें शामिल कर दें और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं। फिरनी जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। देखिए
फ्लेम पे पकाएंगे। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लें। चीनी डालने से आपकी फेनी जो है वो एकदम से और गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसमें हल्के गुलाब शामिल करेंगे। इससे इसकी बहुत अच्छी सी एक खुशबू आएगी। अब हमारी खीर बिल्कुल पक गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसको अच्छे से ठंडा करेंगे और फिर हम सर्व करेंगे। तो चलें इसे डिश आउट करते हैं। अब हम अपनी फेनी को गार्निशिंग करेंगे और फिर बादाम अब हम अपने चांदी के वर्क लगाएंगे। चांदी के वर्क लगाने का भी एक खास ट्रिक है। बहुत ट्रिकी तरीके से ये लगते हैं लेकिन आपकी फेनी को चार चांद लगा देते हैं। ये आपकी शादियों वाली फिरनी बिल्कुल रेडी है। आप इसको खूब अच्छे से ठंडा करें और फिर सर्व करें। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।